हुई और इसके बाद में मेरे विश्वस्त के पास ये सारी जानकारियां हैं और समय समय पर परेश करके और आपको जानकारी देता रहूंगा। यदि मेरे खिलाफ झूठे मुकदमे किए जा रहे हैं, मुझे जेल में डाल देंगे तो कोई दूसरा आपको जानकारी देगा, और बाहर आऊंगा तो मैं जानकारी दूंगा। देखिए घोड़ा की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और शशि मोहन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं, ज्यादा जानकारी दे पाएंगे। शशि, घोड़ा की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, क्या कुछ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी तरफ से कहा गया? अंकुर, राजेंद्र घोड़ा ने जो लाल डायरी सदन में लहराई थी, जिससे वे धर्मेंद्र राठौड़ के घर से लाने की बात कह रहे थे, अब उस डायरी के पन्ने रिलीज करना उन्होंने शुरू कर दिया है। आज डायरी के 3 पन्ने राजेंद्र घोड़ा ने जारी किए हैं, जिसमें उन्होंने आरसी चुनाव के समय का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि कोई भी चाहे तो किसी हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से बात करके इस हैंडराइटिंग को मिलान कर सकता है कि ये धर्मेंद्र राठौड़ की है या नहीं। इस डायरी का हवाला देते हुए राजेंद्र घोड़ा ने कहा कि धर्मेंद्र राठौड़ रोजाना जो बातचीत होती थी उसे लिखते थे। उन्होंने लिखा कि वैभव जी और मेरे दोनों के बीच आरसी चुनाव के खर्चे को लेकर चर्चा हुई, भवानी सामुता किस तरह तय करके लोगों को अब तक पैसे नहीं देता है, इस लाइन का उन्होंने जिक्र किया। और उन्होंने कहा कि आरसी चुनाव के समय जो पैसे का लेन देन हुआ वो जिक्र इस डायरी में है। और राजेंद्र घोड़ा ने कहा कि वो डायरी के और पन्ने भी रिलीज करेंगे। पिछले दिनों जिस तरीके से राजेंद्र घोड़ा का कहना है कि उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं पुलिस में, उसे देखते हुए वो भी अब रणनीति के तहत इन पन्नों का खुलासा करेंगे। घोड़ा ने कहा कि अगर सरकार स्टेप बाय स्टेप चलेगी, मुकदमे दर्ज कराएगी, उन्हें गिरफ्तार करेगी, तो वो भी इस तरह पन्ने जारी करेंगे। राजेंद्र घोड़ा ने इसे अपनी रणनीति का हिस्सा बताते हुए कहा कि इस डायरी में और पन्ने हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार क्या चाहती है, जो मुकदमे उनके खिलाफ दर्ज हो रहे हैं उनको घोड़ा ने सिरे से खारिज करते हुए कह दिया कि सरकार अगर उन्हें जेल में डाल देगी तो उनकी गैर मौजूदगी में उनके पीछे से कोई ना कोई प्रतिनिधि भी इस डायरी के पन्ने जारी करता रहेगा। फिलहाल 3 पन्ने जारी किए हैं, जिसमें कई जगह नाम आया है। तो फिलहाल 3 पन्ने जारी किए गए हैं, लेकिन आगे और भी पन्ने जारी हो सकते हैं। शशि, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहें जी राजस्थान।